नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीना इन द किचन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ गैस ऑन करके एक पैन रख लिया है। इसमें हम डालेंगे एक कप पानी और जैसे ही हमारा पानी बॉईल होना स्टार्ट होगा हम इसमें डाल देंगे एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स का, मैगी ये भी, आप कोई भी नूडल्स ले सकते हैं। एक 10 रुपीज़ वाला जो छोटा पैकेट आता है वो डाल दीजिए इसमें। और उसके साथ ही हम यहाँ पर टेस्ट मेकर भी ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पर जैसे सिंपली हम इंस्टेंट नूडल्स तैयार करते हैं वैसे ही इनको बना लेंगे। तो यहाँ पर पानी सारा ड्राई हो गया है, हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं दिख रहा है नूडल्स में, तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो इंस्टेंट नूडल्स हमारी रेडी है। इस पैन को हम अभी साइड में रख देंगे और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब हमें लेने हैं अंडे, तो हम एक बड़े बॉल में 3 अंडों को तोड़ लेंगे। अगर आपको मैगी और अंडे दोनों पसंद हैं तो ये तो आपका ऑल टाइम फेवरेट स्नैक होने वाला है, जैसे कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्नैक है ये। आप इसको ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग में कभी भी खा सकते हैं। बनाने में तो बहुत ही कम देर लगती है क्योंकि आपको पता ही है अंडे बहुत जल्दी पक जाते हैं और मैगी तो इंस्टेंट नूडल्स हैं ही, तो 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी मैगी भी रेडी हो जाती है। तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत अच्छी है अगर आपको मैगी और अंडे पसंद है। तो चलिए, अंडे हमने तीनों तोड़ लिए हैं, अब इसमें मिलाते हैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लगभग 1 टेबलस्पून बहुत बारीक कटा हुआ प्याज और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। एक छोटी हरी मिर्च ली है मैंने, जिसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसमें हमें नमक ऐड करना है, तो मैंने 1/2 टीस्पून नमक यहाँ पर डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें क्योंकि मैगी में तो सॉल्ट होगा ही, तो हमें 3 अंडों और इन वेजिटेबल्स के हिसाब से नमक डालना है, तो 1/2 टीस्पून नमक इनफ रहेगा। और अब मिक्स को बीट कर लेंगे, सब सब्जियों को और अंडों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मीडियम फ्लेम पर मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन रख दिया है। आप चाहें तो इसे सिंपल पैन पर भी बना सकते हैं अगर आप नॉनस्टिक पैन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो। और अब पैन को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल या घी से। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है, तो इस पर जो हमने एग का बैटर बनाकर रखा हुआ है वो डाल देंगे अच्छे से फैला कर। और अभी हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको सेट होने देंगे। हमें ऑमलेट को अभी अच्छे से पकाना नहीं है, हमें इसका ऑमलेट नहीं बनाना है दोनों तरफ से सेक कर, बस इतना कि इतना पका लेंगे कि ये एक तरफ से नीचे से सिक जाए और ऊपर से हल्का हल्का सेट हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऑमलेट जो हमें दिख रहा है वो ऊपर से अच्छे से नहीं सिका हुआ है, थोड़ा थोड़ा लिक्विड आप देख सकते हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें मैगी नूडल्स डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो है हमारा, नीचे से ऑमलेट सिकना स्टार्ट हो चुका है और जब तक हम इसके ऊपर स्टफिंग डालेंगे तब तक हमारा ऑमलेट नीचे से अच्छे से सिक जाएगा। तो आप जो जितना हमने मैगी नूडल्स बनाकर रखा है सारा इस पर शिफ्ट कर देंगे। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ग्रीन अनियन चॉप करके डाल देंगे, अगर आपके पास ग्रीन अनियन नहीं है तो आप रहने दीजिए। और साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी कच्ची प्याज और टमाटर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बस अब हम जो हमारा ऑमलेट है उसको इस तरह से उठा करके इसके ऊपर रैप कर देंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे, क्योंकि हमारा ऑमलेट ऊपर से अच्छा से सिका हुआ नहीं था तो ये स्टिक हो जाएगा आपस में, यानी कि जो हमारे बीच में नूडल्स हैं और ऊपर से जो हमने रैप बनाया है ऑमलेट का वो अच्छे से आपस में स्टिक हो जाएगा। तो आप इस तरह से स्पैचुला से इसको प्रेस कर दीजिए। और बस फ्लेम मैंने अब ऑफ कर दिया है, तो अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग डाल दीजिए, उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा और गार्निश भी अच्छे से हो जाएगा हमारा रेसिपी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको सर्व कैसे करना है।
आप पिज्ज़ा नाइफ या नॉर्मल नाइफ की हेल्प से इसको सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, बीच में से कट करके, और फिर जो इसके दो पार्ट्स हुए हैं उनको भी बीच में से हम इस तरह से कट करके, तो बेसिकली चार पीस में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इन चारों पीसेस को आप सर्व कीजिए गर्मा गर्म, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आने वाली है, आप इसको एक बार टेस्ट करेंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इसको अपने घर में ट्राई कीजिए, और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल चीना इन द किचन को विज़िट कीजिए, आपको वहाँ पर ऐसी बहुत सारी डिलीशियस टेस्टी और इजी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुँच सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ। दी एंड।